हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने yamaha-r15 में बल्ब इंडिकेटर को रिप्लेस करके एलईडी इंडिकेटर लगाया था। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद जो उसका फ्लैश रेट था वो काफी बढ़ गया था, मतलब अब नॉर्मल हो गया था। मतलब कभी ज्यादा हो जाता था, कभी हल्का सा नॉर्मल होकर फिर ज्यादा होने लगता था। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये किस वजह से, किस कारण से आती है और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एलईडी इंडिकेटर का पावर कंजम्पशन होता है वो बल्ब इंडिकेटर से ही कम होता है, और जो फ्लैश रेट को जो कंट्रोल करता है वो बाइक में एक फ्लैशर रिले होता है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो वो जो फ्लैशर रिले होता है वो जो कंपनी फ्लैशर रिले देती है वो बल्ब इंडिकेटर के लिए देती है, जिसके वजह से कि ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो वो बल्ब वाला फ्लैशर रिले है उसको रिप्लेस करके हमें ये ऐसा वाला, उसी सेम वैसा ही रहेगा पर ये एलईडी इंडिकेटर के लिए होता है, इसको उसमें इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके इंडिकेटर को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो इस फ्लैश हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया है, इसको हाइपरफ्लैशिंग भी कहते हैं। इसको ही नॉर्मल रेट करने के लिए मैं वो वाला जो फ्लैशर रिले है उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो वो जो एलईडी फ्लैशर रिले है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस वाले पैनल के नीचे, तो हमें इस वाले पैनल को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले सीट को रिमूव करना है, फिर यहाँ एक पैनल होगा इसको रिमूव करना है, फिर सीट को रिमूव करना है, तब ये वाला पैनल रिमूव होगा। और इसको रिमूव करने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो एक एलन की और एक स्क्रू ड्राइवर। और इस पैनल के नीचे आपको एक स्क्रू मिलेगा, ये प्लास्टिक का है, इसको हम एक्सपेंशन स्क्रू कहते हैं, इसको भी आपको रिमूव करना होगा तब ये पैनल रिमूव होगा। तो ये वो एक्सपेंशन स्क्रू है, ये प्लास्टिक का होता है, ये किसी स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको एक पिन टाइप का कुछ लेना है जिससे कि आप ये वाला जो पोर्शन है छोटा वाला उसको पुश कर सके, पिन लेके और जो नीचे वाला साइड है उसको पुश करना है ऊपर की तरफ, तो ये जो लंबा वाला पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से ये। और फिर लगाने के लिए सबसे पहले इसको लगा देना है उस होल में और फिर बाद में इससे लॉक कर देना है, ये एक्चुअली ये लॉक कर देता है इसको इस तरह से। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता तो मैंने आपको बता दिया इसको। तो इसमें है वो टू पिन फ्लैशर रिले, इसको मैंने बैंगवुड से परचेज किया है, तो इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों ये फ्लैशर रिले और ये वाटरप्रूफ है और इसको आप 12 वोल्ट वाले व्हीकल में यूज कर सकते हैं, जिसमें टू पिन वाला फ्लैशर रिले सपोर्ट करता है उसमें इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक एडजस्टिंग स्क्रू दिया गया है जिससे आप अपने फ्लैश रेट को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लैश रेट फास्ट करना है तो यहाँ से आप इसको स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो वो जो फ्लैशर रिले है जो बाइक में पहले से लगा हुआ है वो ये वाला है, यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये इसका सॉकेट है, तो सॉकेट खोल के इसको निकाल लेना है और निकाल के वापस जो नया वाला फ्लैशर है उसको यहाँ पे लगा देना है। तो फ्लैशर रिले को बाइक से निकालने के बाद इसका जो ये ऊपर से ये कवर लगा हुआ है जिसके अंदर की ये फ्लैशर रिले है, तो इस कवर को रिमूव कर लेना है क्योंकि इसके साथ तो नहीं दिया गया है। तो ये वाला जो कवर है इसको मैं इसमें यूज कर लूंगा, तो सबसे पहले इसको मैं निकाल लेता हूँ इससे। तो ये निकल गया, मैं ये वाला जो कवर है इसको मैं नया वाला जो फ्लैशर रिले उसमें लगा देता हूँ। तो इसका जो ये कवर था ये मैंने लगा दिया इस पे,
अब इसको मैं यहाँ पे जाके सेट कर देता हूँ जहाँ पे ये था पहले। तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब ये जो सॉकेट है इसको इसमें लगा देना है वापस। अब मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो पहले का जो फ्लैश रेट था उससे बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अब जैसा पहले होता था जब बल्ब इंडिकेटर था। और इसका जो फ्लैश रेट है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, वो जो स्क्रू उसमें दिया गया है। दोनों साइड का जो इंडिकेटर है वो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। इधर का देखिए तो इधर का भी नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली जब आप इंडिकेटर को चेंज करेंगे चारों तब ये प्रॉब्लम आती है हाइपर फ्लैशिंग की। बाकी अलग से अगर कुछ आप लगाते हैं एलईडी लाइट वगैरह, जैसे कि एलईडी स्ट्रिप हो गया या ये वाला जो स्ट्रिप था, तब ये प्रॉब्लम नहीं था। जब मैंने चारों इंडिकेटर को चेंज किया तब ये प्रॉब्लम आया था मेरे बाइक में। तो अभी मैं इसका फ्लैश रेट बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको फास्ट करते हैं। अब वो जो एडजस्टिंग स्क्रू दिया गया इसमें उससे, तो एक ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेना है छोटा सा। तो जब भी आप किसी बाइक या स्कूटर में बल्ब इंडिकेटर को रिप्लेस करके एलईडी इंडिकेटर को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम ये एलईडी फ्लैशर रिले को इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो फ्लैश रेट है इंडिकेटर का वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।